So I've known Ashnoor for a very long time now. Hello. And she's finally turning 18. I think उससे ज़्यादा excited फिलहाल और कोई नहीं होगा. और उसने शायद अपनी एक नई गाड़ी भी ली है. So many many congratulations to her and many more to come. And she's a very sweet girl. बहुत hard working है, बहुत ज़्यादा talented है. Yeah, that's it. I wish her all the love and luck. Yeah. सबसे पहले congratulations आपको. आपके song हमेशा से hit होते रहते हैं. मौसम सर के साथ आपका song hit हुआ है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? थैंक यू. मैं हमारी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, हमारे वेल विशेज़ को बोलना चाहूँगी जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है. गाइज, अपना प्यार इसी तरह बरकरार रहें और रखें, और हम लोग भी आपको इसी तरह एंटरटेन करते रहें. आप दोनों की जोड़ी हमेशा से हंगामा करती है, तो हमने सुना है कि राजेंद्र सर हमेशा से आपको एक बार फिर से कास्ट करने वाले नए शो के लिए, उसको लेके आपसे बात हुई है, क्या कहना चाहिए? बात हुई थी, बहुत पहले हुई थी, पर जो भी होगा, जब भी होगा, आप लोगों को दिख जाएगा. लॉट ऑफ फैन, मतलब आप दोनों एक साथ कभी स्पॉट नहीं होते सर, मतलब अभी तो ईद है तो बिजी रहेंगे, लेकिन आप दोनों का अभी तो दोनों फ्री है तो कभी एक साथ कब मिलिए? बाहर क्यों नहीं मिलते आप स्पॉट? आपको कैसे पता हम फ्री हैं? मतलब फ्री मतलब अभी तो फ्री रहे ना अभी? नहीं, हम बहुत बिजी हैं. बिजी तो है, हम ना नहीं बोल रहे, लेकिन जैसे कि अगर टेलीविजन आप करते तो 12-12 घंटे काम करते जी. अभी सॉन्ग कर रहे हैं, कोई वेब सीरीज कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय मिल जाता, तो अरे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकाल पाते. टाइम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, टाइम आएगा तो निकालेंगे. और आपका नाम भी आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, बहुत आ रहा नाम. Would you like to say something about it? It's an amazing show यार, बहुत कमाल का शो है. सो अगर मैं उसका हिस्सा होंगी या नहीं होंगी वो आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा. थैंक यू. भी आ रहा है रुबीना जी है, एरिका फर्नांडिस जैक के नाम में, क्या कहना चाहोगे? सब बहुत अमेजिंग है. आई थिंक जो भी शो करेगा वो अच्छा ही करेंगे, अमेजिंग ही करेंगे. शिवांगी जी कैसे हो? मैं अच्छी हूं. आप मास्क पहने थे? आप लगे नहीं रहे. मास्क पहने थे ना? मैं पहनी लगी मास्क. मास्क पता नहीं चल अरे मैम यहाँ से आ जाइए. शिवंगी जी सामने. शिवंगी सामने सामने. सो स्वीट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट द वे शी इज़ एंड टू बी अ पार्ट ऑफ टू नाइट. और मैं एक्चुअली टाइमिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज शूट के बाद मुझे लगा नहीं था मैं आ पाऊँगी, बट आई वॉज एबल टू मेक इट हियर. आई कुडंट मिस इट. इट्स अ नाइस डे फॉर मी. मुझे अश्नूर का पटियाला वेब्स बहुत पसंद था, और ऑफ कोर्स अश्नूर ने जितने भी किरदार प्ले किए हैं उसने बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किए हैं. शी इज़ टैलेंटेड और काफ़ी यंग एज में शी इज़ वेरी टैलेंटेड. और पटियाला वेब्स मिनी आई लव्ड इट द मोस्ट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर शो मीत की मैं बात करूँ, काफ़ी डिफरेंट रोल है जो आपने पास्ट परफॉर्मेंस में किया, उससे काफ़ी चैलेंजिंग है. पहली बात तो काफ़ी चैलेंजिंग है, एंड द काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग इट्स ग्रेट. सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डू यू गेट फ्रॉम योर फैंस? People like it, fans like it, they love it, and I'm happy that they do, because मुझे actually मीत मेरे लिए हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, बिकॉज मैं अभी तक आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद हरियाणवी विद द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. समटाइम्स आई फील एम आई लूजिंग माई सेल्फ, आई एम बिकमिंग टू मच मीत, बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग मीत फॉर 12 hours इन अ डे. और होता है आप कभी कभी खुद को भूलने लगते हो, और वो दोनों के बीच में बैलेंस करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. सो लोगों को पसंद आ रहा है, आई एम जस्ट हैप्पी एंड आई एम वर्किंग हार्ड एंड हार्ड एवरी डे टू मेक पीपल लाइक इट.
डू यू बिलीव द डायरेक्टर एंड द होल क्रू इज गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू बिकॉज तो हमने पांच परफॉर्मेंस की बात करी ये काफी डिफरेंट है. हां जी. डू यू बिलीव द डायरेक्टर इज गेटिंग द बेस्ट? या ऑफ कोर्स एंड नॉट द आई डोंट नो आई डोंट फील एनी ऑफ माय वर्क इज द बेस्ट वर्क बिकॉज जब भी मैं अपना काम देखती हूं मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि नहीं ये कुछ तो मिसिंग है. People do like it, they do appreciate it, पर मुझे कभी वो satisfaction नहीं होता. तो I won't say it's the best of me, but हाँ कुछ कुछ तो निकलवा ही लेते हैं मुझसे जो लोगों तक अच्छा चला जाता है. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Photo ले. मैं यहाँ पे. यहाँ पे सामने सामने. मैं एक बार यहाँ पर देख लीजिए. कौन? Thank you man.